हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं पाकिस्तान गया हुआ था और पाकिस्तान से आने के बाद मुझे एक नई जगह ढूंढनी थी, उसमें शिफ्ट होना था, उसको सेट करना था। और ये सब था इसलिए क्योंकि हो चुका है और ये वो नई जगह, तो मैंने कहा कि आप मुझे दिखा दें माई न्यू प्लेस। तो इस नई जगह का हिसाब ये है कि जो मेरे पास है वो ये कमरा है, और इसके अलावा जो टॉयलेट्स हैं और किचन है वो शेयरिंग में है। चार लोग रह रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ये फ्लैट है और इसके अंदर चार कमरे हैं और बाकी चीज़ें शेयरिंग में। तो पहले मैं आप लोगों को बाहर से फ्लैट दिखाता हूँ, मतलब इस कमरे के बाहर से, और फिर कमरा दिखाता हूँ। तो अभी हमने कुछ कूड़ा फेंकना है, ये फेंकते हैं और साथ साथ दिखाता भी हूँ। ये इस तरह एक वॉकवे है और इसमें सारे कमरे हैं। तो ये किचन एरिया, टीन शीट लगा हुआ है, मिनी डाइनिंग टेबल है, लाउंज कोई नहीं है। तो इस छोटे से किचन के अंदर ये सारा सेटअप है, और फ्रिज, फ्रीज़र, वॉशिंग सारा कुछ इधर ही होता है। वॉशिंग यूजली इधर यहाँ पे किचन के अंदर ही फिटेड होती है। एक और जो फीचर है वो है इसका ये पीछे जगह, जो कि ये डिफरेंट अपार्टमेंट्स हैं उनके पीछे वो जगह, बट ये सारी जगह कंबाइंड है। और यहाँ पे वैसे मैं इतना भी आया नहीं हूँ, बट हाँ एक एडिशनल फीचर है अगर आपने आउटडोर बैठना है, और वो यूजुअली नहीं होता। बट एक और चीज़ कमाल है, वो ये है कि ये घर है और ये ट्रेन स्टेशन है, वो ट्रेन जाती हुई शायद नज़र भी आ रही हो। तो घर से निकलो और एक दो मिनट में ट्रेन के अंदर। ये बाहर से है, और अब मैं दिखाता हूँ बाथरूम में, दिखाता हूँ बाथरूम का हिसाब इधर से है। ये एक टॉयलेट है जो मेन है, शावर एरिया। बाथरूम थोड़ा छोटा है, नहाने में मसला होता है, बट साफ है और साफ होना ज़्यादा बेहतर फीचर है। दूसरा है ये सिर्फ टॉयलेट सीट है, और इसकी एक कमाल चीज़ दिखाता हूँ, कमाल है या नहीं ये नहीं पता, बड़ी चीज़ दिखाता हूँ। ये सीट है और इसके ऊपर ये सिंक है। ये जगह कम होने की सूरत में इनोवेशन, बहुत छोटी इनोवेशन है, बट चलो अगर कभी यूज करना पड़े तो ऑप्शन तो है। खैर ये बाहर मेन से दरवाजा है जो आप लोग देख चुके हो पहली शॉट्स में, और ये मेरा कमरा है जो मैं आप दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैं अपने कमरे से एंटर हो गया और व्यू है कुछ ये कमाल चीज़ है कि कमरा बहुत बड़ा है। जो यूजली कमरों का साइज़ होता है लंदन में, आई थिंक उसका डबल है, तो वो बस किस्मत से एक चीज़ मिल गई है। ये बेड है, मतलब पता ही होगा आप लोगों को, साइड टेबल्स, अलमारी, ये एक चेस्टर है, और इधर मैंने काफ़ी सामान रखा हुआ है, साथ अपनी बुक्स कुछ रखी हुई हैं। ये वर्क स्टेशन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जो एक डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि ये वाला जो टेबल है ये शीशे का, ये पहले तस्वीरों में देखने से लग रहा था कि
क्या उसे कहते हैं, छोटा है बट ये अच्छा खासा बड़ा है, और ये चेयर, ये सब इंक्लूडेड है। मतलब ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं इसमें, फर्नीचर में मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये सारा इंक्लूडेड है। इवन ये लैम्प भी इंक्लूडेड है, और क्या उसे कहते हैं, एक और चीज़ भी इंक्लूडेड है, वो है ये टीवी। ये टीवी चलता भी है, इस पे केबल भी है, और बाकी नेटफ्लिक्स वगैरह भी है। तो हम लोग बेड पर लेट के टीवी देख रहे हैं, एक्सपीरियंस की बात है बस। तो ये है माय न्यू होम, और मुझे हफ्ता हो गया इधर शिफ्ट हुए पे। मैंने पहले भी एक दफ़ा अकेले रहा हूँ बिल्कुल, बट वो इस तरह 1-1.5 महीने के लिए था, बैक इन नॉटिंघम। लंदन में पहली दफ़ा है और एक हफ्ता हो चुका है, तो अब देखते हैं कैसा जाता है ये। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।